ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं इतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखामितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने शिवासवा नवी देवी दयिताय कृपद्वय कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे। रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वंत हारिणे नमो गौर किशोराय साक्षद वैराग्यमूर्तये विप्रलंबर सांबोधे पादं भुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सचिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगबरायते गौराविर्भाव भूमेष्टम निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौमस्य जगन्नाथाय ते नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरत पंगो मम मंद मतिर्गति मद सर्वस्व पदां भोज राधा मदन मोहन दिव्य दृंदारण्य कल्पद्रुमदः श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद राधा शील गोविंद देव प्रेष्टाले विषेव्य मानम स्मरामि। श्रीमन रास रसारम्य बंसी भट तट स्थित कर्षन वेणु सुनेर गोपी गोपीनाथ श्रेष्ठ तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषवान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो स्वागत है सभी भक्तों को, हमने काफी समय के बाद वापस मिल रहे हैं। लास्ट वीक में क्लास हुआ नहीं था मेरे हिसाब से, उससे भी पहले वाला वीक में भी क्लास शायद हुआ नहीं था मेरे हिसाब से। तो ठीक है, हमने चर्चा किए, गुरुवाष्टकम हो गया था, राइट, गुरुवाष्टकम पूरा कर लिए थे हम लोगों ने। और हाँ, और गुरु पूजा यानी गुरु वंदना भी मैंने बता दिया था, राइट। तो हमने ये चर्चा करने के लिए विचार किए हैं दस नाम अपराध, और ये दस नाम अपराध हमारे वैष्णवों को, वैष्णवों के जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझना और उसको ध्यान रखना, दस नाम अपराध। तो आज हम दस नाम अपराध के बारे में चर्चा करेंगे। दस नाम अपराध से पहले हमको ये चर्चा करना है कि अपराध होता क्या है और किस प्रकार से इस अपराधों से बच सकते हैं, उसका हम चर्चा करेंगे। एक एक अपराधों को हम डिटेल्स में चर्चा करने के लिए प्रयत्न करेंगे, कहीं संक्षिप्त कहीं विस्तृत, ठीक है, कहीं जरूरत पड़े तो विस्तृत भी करेंगे, कहीं जरूरत ना है तो वहां संक्षिप्त में हम उसको श्रवण करेंगे। तो मेरा निवेदन है जो भक्त लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते कृपया ऑन कर दें, जो नहीं कर सकते वो भी ऑन कर दें, धन्यवाद। आज तो कोई टेंशन नहीं, सब खा पी के आके बैठे हो, कोई चिंता नहीं है, रात को 8 बज रहा है, सोना है, कुछ टेंशन नहीं है, आज संडे है, आराम से बैठ के कथा सुना आप। आज तो मैं सोचा हूँ कि
से कम 3-4 घंटे का क्लास लेके ना मैं एक पहला वैष्णव अपराध का कुछ तो शुरुआत कर दूं, ऐसा मैं सोच के रखा हूँ। दुर्गा माता जी ने हाँ बोलते, यस यस जल्दी कर लीजिए आप, 4 घंटा चलेगा हमको, है ना। कहाँ कविता में घूम रहे हैं क्या आप? कविता में है, ओके ठीक है। ओके सो चर्चा शुरू करते हैं। इससे पहले भी कुछ भक्त लोग, मैंने कुछ सेमिनार्स दिया था उसमें आपने कुछ चर्चाएं सुने भी होंगे अपराध के बारे में, फिर भी मैं वापस थोड़ा सा कुछ रिपीटेशन भी होगा आप लोगों के लिए जो सुने हैं ऑलरेडी, पर आप बोरिंग मत होइएगा, ये जरूरी है, बार बार सुनना जरूरी है। जितने बार भी हमने एक्चुअली देखा जाए तो हमने जब से भक्ति के मार्ग में ज्वाइन किए हैं आज तक हम लोगों ने यही सुनते आ रहे हैं कि अपराध नहीं करना है, अपराध नहीं करना है, अपराध नहीं करना है, और हम लोग वही करते हैं, अपराध ही करना है, अपराध ही करना है, अपराध ही करना है, है कि नहीं? सुन रहे हैं कि नहीं करना है, पढ़ रहे हैं नहीं करना है, मगर हमारा मन क्या उसको एक्सेप्ट नहीं करता, नहीं नहीं करना है। फिर हम बोलेंगे कि प्रभु जी 2 साल हो गया प्रगति नहीं हो रही है। अरे भाई बाधक ही तो अपराध है, प्रगति नहीं होने का बाधक अपराध है कि नहीं है? तो इसके लिए भक्ति में ये समझना जरूरी है कि अपराध कहाँ कहाँ हो रहे हैं, कैसे उस अपराधों से अगर हो गया है उससे कैसे बचा जाए, और दूसरा है होने से कैसे रोका जाए। समझ में आ रहा है? 2 चीज को हमको ध्यान देना पड़ेगा, एक तो जो ऑलरेडी हो चुका है उससे कैसे बचे, और दूसरा है कि आगे ना हो उसके लिए क्या किस क्या फॉलो करें, क्या ध्यान रखना चाहिए आगे ना हो, है ना। तो वो हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, आप सब दिल ठान के बैठ जाइएगा, ठीक है? ओके मेरा प्रेजेंटेशन ठीक है, ओके। ओके एक प्रश्न से शुरू करते हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है, ठीक है, इसका उत्तर से हम शुरू करेंगे आज का क्लास। चलिए कुछ भक्त बताएं, कुछ भक्त प्रयास करें, क्या उद्देश्य है हमारा जीवन का? हाथ उठाइए, जो हाथ उठाएंगे मैं उनको पूछूंगा। हाँ जी कोई है जो बताना चाहेंगे? ओके 2 प्रभु जी लोग हाथ उठा रहे हैं। यस जयंती प्रभु, एक मिनट में आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ बताइए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी हमारा जो भगवान से जो संबंध विच्छेद हो गया है, अलग हो गया है, और हम इस संसार में पड़े हुए हैं, तो हमें भगवान के चरणों में वापस कैसे पहुंचे और अपना संबंध कैसे उनसे स्थापित करिए, ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। संसार में ओके हाँ भगवान के साथ वापस संबंध जोड़े, ओके। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? राजकुमार को आप हाथ उठा रहे थे, क्या बोल रहे? हरे कृष्ण धनवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी वैसे आंसर तो यही है जो कि भगवान से अपन जो भूल चुके हैं और अपन कष्ट पा रहे हैं, ताकि वापस हम भगवान से संबंध स्थापित कर सके और उनकी भक्ति करके, भक्तों की सेवा करके, वैष्णव की सेवा करके भगवत धाम जा सके। ओके ठीक है, ओके। बसंती माता जी कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू राजकुमार को, धन्यवाद। और कोई भक्ति भाव माता जी, जीवन का उद्देश्य एक ही है, है ना? हाँ यस प्रभु जी, भगवान से कृष्ण से प्रेम करना, और कैसी भी कौन सी भी स्थिति में कहाँ पे भी हो तो कृष्ण से प्रेम करना, कृष्ण से प्रेम करना। अच्छा मुझे लगा कि भाव भक्ति भाव माता जी बोलेंगे कि प्रचार करना ही उद्देश्य है हमारा, सारा सगतड़ा सारा नासिक सबको उद्धार कर देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू माता जी। और कोई लास्ट और कोई बताना चाहेंगे? श्री राम निमय प्रभु जी, यस प्लीज। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है
कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, और जो हम जो कृष्ण के अंश हैं और भूल चुके हैं भगवान को, वापस स्मृति प्राप्त करके उनके धाम को प्राप्त कर सकें। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू। तो जीवन का उद्देश्य है कृष्ण प्रेम, क्या चाहिए हमको, हमारा ध्येय क्या है, क्या हमको मीन्स गोल को, कौन सी गोल को प्राप्त करनी है हमको, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। सब लोग का उत्तर सही है, हमको कृष्ण प्रेम चाहिए। ओके, तो कृष्ण प्रेम कहाँ मिलेगा बताइए, जल्दी से जाके लेते हैं उसको। कहाँ पर रखा हुआ ये कृष्ण प्रेम, किधर है कृष्ण प्रेम, वो चाहिए हमको, है कि नहीं है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करनी है हमको। तो बताया गया है, हरिदास ठाकुर कहते हैं, पोयर बोलेंगे मेरे पीछे, कृष्ण नाम भक्त सेवा सतत करिबे, कृष्ण नाम भक्त सेवा सतत करिबे, कृष्ण प्रेम लाभ तर अवश्य होइबे, कृष्ण प्रेम लाभ तर अवश्य होइबे। यस, तो ये हरिदास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु को बतला रहे हैं जब महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं। ये बहुत एक सुंदर ग्रंथ है, शायद आप लोग के पास ही होगा, आपने कुछ चर्चा भी किए थे हमारा वर्ल्ड होली नेम के समय पर, फेस्टिवल के समय पर, श्री हरिनाम चिंतामणि, बहुत सुंदर ग्रंथ है। इसमें श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सुंदर वर्णन किए हैं 10 नाम अपराधों को विस्तृत रूप से। तो कहते हैं कि कृष्ण नाम भक्त सेवा सतत करिवे, और कृष्ण प्रेम लाभ तार अवश्य होइवे, एकदम गारंटेड है। हरिदास ठाकुर किनको बोल रहे हैं, महाप्रभु के सामने बोल रहे, यानी महाप्रभु एक्सेप्ट कर रहे इस बात को, महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, कृष्ण ही एक्सेप्ट कर रहे इस बात को, किस बात को, कि अगर कृष्ण प्रेम चाहिए ना, मेरा प्रेम आपको चाहिए, तो आपको कृष्ण नाम भक्त सेवा ये सतत करिए, हमेशा ये दोनों करते रहना है। ठीक है, समझ में आ रहा है, जो इतना कुछ हम हंगामा कर रहे हैं ना, ये सारा ये दो चीज के लिए जी, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन, प्रवचन करना, और मंदिर साफ करना, कुकिंग करना, डीटी वर्शिप करना, कई सेवाएं, ये सारा सेवा सारा प्रयास दो चीज के लिए है, कृष्ण नाम भक्त सेवा। ध्यान रखिएगा, कृष्ण नाम अच्छे से ले पाए, भक्त प्रसन्न हो जाए हमारा सेवा से। मान लो हम इतना कुछ सेवाएं कर रहे हैं, भक्त हमसे नाराज है, मान लो बहुत सेवाएं कर रहे हैं हम, बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत प्रचार कर रहे हैं, बहुत प्रवचन कर रहे हैं, मगर भक्त हमसे प्रसन्न नहीं है। हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं उनको कृष्ण प्रेम मिलेगा नहीं, उनको कृष्ण नहीं कृपा करेंगे इसमें। अब मान लो कोई कृष्ण का नाम ले रहा है अच्छे से, मगर भक्त नाराज है, तो समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं, समझ पा रहे हैं, थोड़ा रिएक्शंस देते रहिए, रिएक्शन मीन्स थोड़ा आप लोग का चेहरा में देख रहा हूँ, रिएक्शंस मिलता रहेगा तो मुझे पता चलेगा कि समझ में आ रहा है। तो अगर मान लो सिर्फ कृष्ण नाम ले रहे हम, मगर भक्त प्रसन्न नहीं है, तो वो कृष्ण नाम से भी कृष्ण नहीं प्राप्त होंगे। और दूसरी बात है भक्तों, ध्यान रखिए, अगर भक्त प्रसन्न नहीं, तो कृष्ण नाम आप कभी भी अच्छे से नहीं ले पाओगे, ये पक्का है। यस, ये बहुत जरूरी है। कभी कभी हम ये सोच सकते हैं, मैं तो इतना सेवाएं कर रहा हूं, कोई बात नहीं, भाड़ में जाए भक्त, चलेगा, कोई नाराज है तो क्या फर्क पड़ती है, ऐसे हो सकता है मन में आए, वरना भक्त ध्यान रखिए, अगर वैष्णव हमसे प्रसन्न नहीं है हमारा सेवा से, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि गुरु प्रसन्न होंगे, अगर गुरु प्रसन्न नहीं है तो आप कैसे सोच सकते हो कृष्ण प्रसन्न होंगे हमारे ऊपर, संभव है ये, कभी संभव नहीं है जी ना। तो इसके लिए दोनों साथ साथ में होना चाहिए, कृष्ण नाम ये युग धर्म है, ये तो करना है, मगर साथ साथ में वैष्णव हमारे प्रति, वैष्णव के प्रति हमारा सेवा ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप बोलो कि मैं वैष्णव सेवा भी तो कर रहा हूँ, वैष्णव को खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, मगर वैष्णव प्रसन्न नहीं हो रहे, मैं क्या कर सकता हूँ। अरे बाबा, वैष्णव अगर प्रसन्न नहीं हो रहे तो कुछ तो गड़बड़ी है आपके सेवा में। अगर वैष्णव प्रसन्न नहीं, आप सेवा करने के बावजूद, यानी आपकी सेवा में कमी है ना, वो वैष्णव में कमी नहीं है, आप में की सेवा में कमी है, ध्यान रखिएगा। तो खैर,
कृष्ण प्रेम हमने चर्चा किया, जीवन का उद्देश्य हमारा कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, वो इतना सरल बता दिए हैं हरिदास ठाकुर, कृष्ण नाम भक्त सेवा, ये दो चीज को अड़े रहिए इस दो चीज में, नाम को कभी नहीं छोड़ना है, भक्तों की सेवाओं को कभी नहीं छोड़ना है, कहीं भी हो, उदयपुर में हो, अमेरिका में हो, आप जवान है अभी बूढ़े भी हो जाओ, आप स्त्री हो या पुरुष भी हो, आपके पास पैसा हो या ना हो, ध्यान रखिए कोई भी परिस्थिति में ये दो चीज छूटना नहीं चाहिए हमसे, कृष्ण नाम भक्त सेवा। और भक्तों ध्यान रखिए ये दो चीज हो रहा है मीन्स आपका बाकी सब अच्छा से हो रहा है, ये दो चीज नहीं हो रहा बाकी सब अच्छे से हो रहा है मीन्स कुछ अच्छे से नहीं हो रहा है, यस और कुछ अच्छे से नहीं हो रहा है। तो इसके लिए कहते हैं कृष्ण नाम भक्त सेवा सतत करीबे, यहां पर कंडीशन क्या है कि रोजाना करनी है, सतत यानी नियमित रूप से नित्य करनी है, ठीक है ना, कभी कभार वैष्णव सेवा कर लेते हैं या कभी कभार नाम ले लेते हैं ना, उससे कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त होगा, हम चर्चा करेंगे डीपली। इस प्यार से तो हमको लग रहा है कि कितना सरल है ना, कृष्ण नाम लो, भक्त सेवा करो, कृष्ण प्रेम सामने खड़ा है, बस वो तो कृष्ण एक तोहफा लेके आएंगे, ये लीजिए, प्लीज एक्सेप्ट, ये कृष्ण प्रेम का तोहफा लीजिए आप, है ना, और इसमें कोई गलत नहीं है, एकदम सही बात है, कृष्ण नाम और भक्त सेवा से मिल सकती है, मगर भक्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आ गया मेरा स्लाइड। बहु जन्म का आप प्यार पीछे बोलिएगा सब लोग, बहु जन्म करे जदी श्रावण कीर्तन, बहु जन्म करे जदी श्रावण कीर्तन, तब तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, तब तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। सबको बोलनी चाहिए प्यार, कितना सुंदर है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, क्या प्रेम से इस प्यारों को लिखे हैं, तो सब लोग को बोलना चाहिए प्यार मेरे पीछे पीछे, हो सकता है आप मेरे मीन्स जो मैं लॉय में गाता हूँ लॉय में नहीं गा पाते, मगर कम से कम आप गाइए जरूर, है ना, कृष्ण जदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया, कृष्ण जदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया, कभू प्रेम भक्ति न दे राखे न लुकाइया, कभू प्रेम भक्ति ना जन राखे न लुकाया। तो कहते हैं बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, ये दो श्रवण और कीर्तन भक्ति का मुख्य अंग है, श्रवणम कीर्तनम, इसके लिए प्रहलाद जी सर्वप्रथम बोले श्रवणम कीर्तनम, है कि नहीं, तो बहु जन्म है, बहुत जन्म तक अगर कोई श्रवण कीर्तन कर रहा है तबु तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, तब भी कृष्ण के चरण कमलों का प्रेम धन नहीं प्राप्त होगा, कृष्ण का प्रेम नहीं प्राप्त हो सकती है। मगर आप तो अभी बताए कि बस कृष्ण नाम लो और क्या है भक्त सेवा करो तो कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगी, राइट, हमने यही चर्चा किया अभी, मगर यहाँ पर ऐसे लग रहा है बहु जन्म, अरे भाई अभी इसी जन्म में नहीं मिलेगा, बहु जन्म में नहीं मिलेगा, इस जन्म में कैसे मिलेगा, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तब तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, क्यों आसान नहीं है, कहते कृष्ण यदि छूटे भक्ति भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया, अगर कोई भक्त को चाहिए भुक्ति मुक्ति कृष्ण दे देते दे देंगे वो, मगर कभू प्रेम भक्ति ना देन राखे ने लुकाइया, जो उनका प्रेम धन है ना प्रेम भक्ति, वो कृष्ण हमेशा छुपा के रखते हैं, नहीं देते सबको, आसानी से नहीं मिलती है, आसानी से मिल जाता तो अभी 3-4-5 साल से तो हमने जप कर ही रहे हैं, वैष्णव सेवा कर ही रहे हैं, मिल जाना चाहिए था, है कि नहीं। तो निरुत्साहित मत होइए, तो अभी बोले प्रभु जी आप निरुत्साहित कर रहे,
कृष्ण उसको छुपा के रखते हैं हाँ, और उसको देते नहीं, भुक्ति मुक्ति दे देंगे मगर कृष्ण प्रेम नहीं देंगे हाँ, क्यों नहीं देंगे, जरूर देंगे, नहीं देने का वजह है। तो वही हमने चर्चा करने के लिए आज एकत्रित हुए, वो वजह है, क्या वजह है, क्यों नहीं मिलता है, बहु जन्म करने के बाद भी नहीं मिल रहे, वाय ठीक है। तो यहाँ पर कृष्ण नाम है, कृष्ण नाम भक्त सेवा सतत करिबे, तो कृष्ण नाम के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हमारा 10 नाम अपराध, नाम अपराध हम चर्चा करेंगे, इसलिए नाम के ऊपर, कृष्ण नाम पहला है। तो ये कृष्ण नाम, भगवान का नाम 3 प्रकार का है, क्या क्या है जी, पवित्र नाम 3 प्रकार का भगवान का, मुख्य नाम, गौण नाम, प्रेम नाम। ये भी हरिनाम चिंतामणि किताब में भक्तिनोद ठाकुर कहते हैं जो भगवान के नाम है वो 3 प्रकार के हैं, पहला है मुख्य नाम, दूसरा है गौण नाम, तीसरा है प्रेम नाम। ओके तो इसको वर्णन कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, कहते हैं कि मुख्य नाम कौन सा है जो डायरेक्टली भगवान की लीला से संबंधित है, उसको मुख्य नाम कहा जाता है। ध्यान रखिए, भगवान और भगवान की लीला से जो डायरेक्टली रिलेटेड है, जैसे कृष्ण, जैसे गोविंद, जैसे राम, जैसे नरसिंह, जैसे वराह, ये सब भगवान की लीला से संबंधित है, भगवान से डायरेक्टली संबंधित है, उसको मुख्य नाम कहते हैं। प्राइमरी नेम, उसको प्राइमरी नेम मुख्य नाम कहते हैं। ठीक है, आप लोग को किसी को कुछ जिज्ञासा है तो तुरंत आप पूछ भी सकते हैं, ये हमारा कोई प्रवचन मींस नहीं चल रहा, हम क्लास कर रहे हैं ना, डिस्कशन चल रही है, तो ये मुख्य नाम है। तो मैंने उदाहरण के लिए बताया राम, नरसिंह, हरा, जो कृष्ण के, भगवान की लीला से डायरेक्टली संबंधित है, कृष्ण से डायरेक्टली संबंधित है, कृष्ण सर्व आकर्षक है, इसलिए कृष्ण ये मुख्य नाम है। ठीक है, दूसरा गौण नाम, गौण नाम में भक्ति मोहन ठाकुर कहते हैं जो भगवान की ऐश्वर्य से संबंधित है, ऐसे कहते हैं कि जो भगवान की ऐश्वर्य से संबंधित है उसको गौण नाम कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जगदीश और परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, परम ब्रह्म, जगत पिता, जगत कर्ता, योगेश्वर, यज्ञेश्वर, ये सब भगवान का ऐश्वर्य को सूचित करता है, ये सबको गौण नाम कहा जाता है। ठीक है, मुख्य नाम में कहते हैं गोविंद, गोपाल, राम, श्री नंद नंदन, राधा नाथ, हरि, यशोमती नंदन, मदन मोहन, श्याम सुंदर, ये सारा मुख्य नाम है। ठीक है, और जो उनकी ऐश्वर्य या जड़ प्रकृति से परिचित कराता है जो नाम, ऐसे कहते हैं जड़ा प्रकृति रो परिचय नाम जत प्रकृति रो गौण गौण वेदेर सम्मत, जो जड़ प्रकृति के सृष्टि के साथ रिलेटेड है, सृष्टिकर्ता, परम ब्रह्म, जड़ वस्तुओं से रिलेट किया जाता है जो नाम को, उनको गौण नाम कहते हैं, और उसको ऐश्वर्य प्रकाश होती है। इसमें मैंने उदाहरण बताया सृष्टिकर्ता परमात्मा, परम ब्रह्म, जगत कर्ता, जगत संहिता, यज्ञेश्वर, ये सब। ठीक है, तो ओके, मेरे हिसाब से आप लोग को क्लियर हो गया मुख्य नाम क्या है, गौण नाम क्या है। ठीक है, कितना लोगों को क्लियर हो गया? ओके गुड, किसको क्लियर नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ जो हाथ उठा रहे हैं, रसिका ललिता माता जी हाथ उठा रहे, क्लियर नहीं हुआ, मैं वापस बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मुख्य नाम जो डायरेक्टली भगवान की लीला से संबंधित है, ठीक है, लीला से या भगवान से डायरेक्टली। दूसरा गौण नाम, यानी जो नाम भगवान को जड़ प्रकृति, जड़ जगत से रिलेटेड की जाती है, साथ साथ में ऐश्वर्य उसमें मिक्स है, समझ में आ रहा है? जैसे मैंने बताया ना सृष्टि करता, तो ये सृष्टि, ये जड़ जगत है एक्चुअली, ये जो सृष्टि है भौतिक सृष्टि, सृष्टिकर्ता भगवान है, तो ये सृष्टिकर्ता जड़ जगत से रिलेटेड की जाता है, इसलिए गौण नाम, ये मुख्य नाम पे नहीं जाएगा। मुख्य नाम गोविंद है, बराह है, कृष्ण है, राम है, ये सारा मुख्य नाम है जो भगवान की लीला से संबंधित है, भगवान से। तो ठीक है, मुख्य नाम गौण नाम हो गया। तीसरा है प्रेम नाम, प्रेम नाम बहुत सारा नहीं है, एक ही है, प्रेम नाम एक ही है जो प्रेम दिला सकता है, जो नाम लेने से प्रेम दिला सकता है, कौन सा हो?
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये प्रेम नाम है, ये प्रेम नाम है, इसलिए कहते हैं ना प्रेम नाम संकीर्तन है कि नहीं, ये प्रेम नाम संकीर्तन है। तो हमने इसमें पढ़ा है ना चैतन्य शिक्षा अष्टकम में, नाम नाम कारी बहुदा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् नमापि। कभी कोई भक्त प्रश्न पूछते ना क्यों हरे कृष्ण महामंत्र गोविंद, हम तो राम 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 सिर्फ राम जप करेंगे चलेगा क्यों नहीं चलेगा, ये भगवान का ही नाम है ना। कोई बोलेंगे मैं तो गोविंद 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 जप करूंगा, जप करिए बिल्कुल कोई गलत नहीं है, ये भी भगवान का ही नाम है, मुख्य नाम है ये, तो बिल्कुल जप कर सकते हैं। मगर ध्यान रखिए भक्त, मैं इसके लिए पहले ही क्वेश्चन किया, उद्देश्य क्या है हमारा, कृष्ण प्रेम उद्देश्य है। कृष्ण प्रेम के लिए हमको सिर्फ राम 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 ही जप करने से कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, गोविंद 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 जप करेंगे क्योंकि ना प्रेम नाम तो ये हरे कृष्ण महामंत्र है, ये हरे कृष्ण महामंत्र से ही प्रेम मिलेगा। हम बाहर के लोगों को जो प्रचार में जाते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि हाँ, वो बोलते हैं कि हम तो राम नाम जप करते, ठीक है बिल्कुल जप करिए। जब धीरे धीरे मैच्योरिटी आते हैं वो पूछते हैं कि आप लोग हरे कृष्ण क्यों जप करते हैं, उनको हम समझाते हैं फिर कि देखिए जी कृष्ण प्रेम हमको चाहिए, हमारा उद्देश्य है, और ये हरे कृष्ण महामंत्र दे सकता है। ये क्लियर हो जाना चाहिए हम सबको, ये सब क्लियर होना चाहिए कि ये कोई कोई पूछेंगे भी आपको, अरे आप गोविंद करके क्यों नहीं बोलते, क्यों हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हमेशा। इसका रीजन ये है, हमको प्रेम, अगर कृष्ण प्रेम चाहिए वो प्रेम नाम से ही मिलेगा, वो प्रेम नाम से मिलेगा, मुख्य नाम गुण नाम से तो नहीं मिलेगा। यस ठीक है, तो ये प्रेम नाम है हरे कृष्ण महामंत्र। ठीक है, यहाँ पर सबको क्लियर है, कुछ भी जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं आप, बीच में हाथ उठा सकते हैं। ठीक है ओके। तो शक्ति है नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति, हर भगवान की इतने सारे नाम है, अनगिनत नाम है, वो अनगिनत नाम में भगवान ने पूरा शक्ति डाला हुआ है। ठीक है, मगर कृष्ण प्रेम नहीं डाला हुआ है, कृष्ण प्रेम सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र में चैतन्य महाप्रभु डाल के दिया, पहले नहीं था। जब हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 ये मंत्र था, महाप्रभु ने उसको पलटा कर उसमें कृष्ण प्रेम डाल के दिया, इसके लिए इसको प्रेम नाम कहा जाता है हरे कृष्ण महामंत्र। ठीक है ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए नाम का महिमा क्या बता रहे हैं हरिदास ठाकुर जी। प्यार बोलिए, पीछे बोलिए, ये प्यार है हमारे हृदय को शुद्ध करने वाले हैं, ये कोई साधारण प्यार है नहीं है। एको कृष्ण नाम यदि मुखे बहिरा, एको कृष्ण नाम यदि मुखे बहिरा, अथवा श्रवण पथे अंतरे ते जा, अथवा श्रवण पथे अंतरे ते जा, शुद्ध वर्ण हय बा अशुद्ध वर्ण हो, शुद्ध वर्ण हय बा अशुद्ध वर्ण हो, ताते जीव तरे शास्त्रे निर्णय, ताते जीव तरे शास्त्रे निर्णय। एक कृष्ण नाम यदि मुख्य बहिरा, अगर एक भी कृष्ण का नाम एक बार भी अगर कोई मुख में लेता है, कोई भी नाम एक बार भी लिया, तो अथवा श्रवण, वो श्रावण हो गया गलती से, मेरा टाइपिंग मिस्टेक है, वो श्रवण है ध्यान रखिए, अथवा श्रवण, या तो उच्चारण किया या श्रवण किया, यहाँ पर ऐसे नहीं बताया गया सिर्फ उच्चारण करना, या तो सुन भी लिया ना, इसके लिए तो हम लोगों ने बाहर जाकर हरिनाम संकीर्तन क्यों करते हैं, गली गली में जाना है, द्वार द्वार में जाते हैं भाई, ये नगर संकीर्तन क्यों इतना इंपॉर्टेंस है, सबसे बेस्ट प्रीचिंग हरिनाम संकीर्तन स्ट्रीट में
और दूसरा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, बेस्ट प्रीचिंग है। क्लास आप 3-3 घंटा क्लास दे दो, किसी को हृदय चेंज नहीं कर सकते। क्यों, कैसे से हृदय चेंज करेंगे, जब हमारे हृदय में ही कलमश भरा हुआ, हम दूसरे को कैसे हृदय चेंज कर पाए। हमारे क्लासेस जो है, हम जो क्लासेस देते हैं, हमने जो कहता है, ये सब इन्फॉर्मेशन क्लासेस है। चैतन्य चरितार्थ में ये बताया गया, हरिनाम चिंतामण में ये बताया गया, वो वहाँ भागवत में ये इन्फॉर्मेशन से, ये इन्फॉर्मेशन हमको हेल्प होता है कि ये अच्छा ऐसे है, अपराध नहीं करना चाहिए, नाम जपना चाहिए, वैष्णव सेवा करना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन मिलने से हम और उत्साह होता है और हमारा भक्ति में पोषण होती है। इसके लिए हमने ये चर्चा करते हैं। मगर ध्यान रखिए, हृदय को परिवर्तन करेगा वो कौन सा है, दो चीज है, महाप्रसाद, हरिनाम संकीर्तन, महासंकीर्तन हृदय परिवर्तन करेगा। कीर्तन, युग धर्म क्या आया बताइए, युग धर्म क्या है, हरिनाम, हरिनाम है कि नहीं, युग धर्म, कलयुग का युग धर्म तो हरिनाम ही है ना, हरिनाम ही है ना, क्लास तो है नहीं, क्लास फिलोसफी है, फिलोसफी हरिनाम को अच्छे से लेने के लिए प्रोत्साहन है। ध्यान रखिएगा, हम जो भी क्लासेस सुनते हैं हमारे भक्ति में प्रोत्साहन के लिए, हम जब क्लास सुनते हैं तो हमारे हृदय में अरे हाँ मुझे जब करना चाहिए अच्छे से, ध्यान पूर्वक करना चाहिए। क्लास में प्रभु जी बता रहे थे, महाराज जी बता रहे थे, प्रसाद को रेस्पेक्टफुली लेना चाहिए बता रहे थे, तो ये हमको प्रोत्साहन मिलता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भक्ति में हमको ये करने के लिए, प्रगति करने के लिए। मगर किसी का हार्ट चेंज करना है तो उनको भगवान को लगाया हुआ भोग प्रसाद दे दो, दूसरा हरिनाम संकीर्तन। तो बाहर जब अगर कोई व्यक्ति नहीं भी बोल पाता है, कभी मैंने एक लेक्चर में सुन रहा था, राधा गोविंद महाराज जी बोल रहे थे, कुछ कुछ भक्त ऐसे बोल देते, नाम जप कर नहीं तो तू क्या है, मुर्दा है, अगर नहीं जपता है तो मुर्दा है, ऐसे बोल देते हैं पब्लिकली। अरे आपने डिवोटिस को बोल दिया, ठीक है चल जाएगा सहन कर, आप पब्लिकली बोल दो तू नहीं नाम जप करता है, बेकार है, तू तो मुर्दा है, दो थापड़ खींच लेगा वो बेचारा, जुड़ने वाला भी नहीं जुड़ेगा भक्ति में, सच बोल रहा। तो महाराज कह रहे थे कि ऐसे कैसे भक्त बोल देते कि नाम नहीं जप कर रहे, आप हरे कृष्णा नहीं बोल रहे हो, हमें किस किस को बोलते हैं, भक्ति फोर्सफुली नहीं बोलता है, नहीं बोलता है, कभी कभी कोई कोई तो बोल देते हैं, जिनका स्वीकृति है वो तो बोल देता है, जिनका स्वीकृति नहीं हो वो बोल भी नहीं पाएगा भक्त। ध्यान रखिएगा, आप हजार उनको प्रयास करो नहीं बोलेगा। हम कभी कभी बोलते हैं तू बेजार आदमी बोलता नहीं है ऐसा, ना जी महाराज कहते हो बोल नहीं पा रहा तो सुन तो रहा है ना, आप बोल रहे हो जो हरे कृष्णा सुन रहा है, और उसका प्रमाण मैं सामने दे रहा हूं, यहाँ पर आपके सामने स्लाइड है, एको कृष्ण नामो यदि कोई मुखे बहिरा अगर मुख में लेता है अथवा श्रवण, अगर नहीं भी ले पाता श्रवण भी कर लिया सुन भी लिया हो, पथे अंतरित जाए उसका, उसका पार हो जाएगा बेड़ा पार, उसको भौतिक संसार से उसका पार हो जाएगा वो व्यक्ति। फिर आगे उसको कंफर्म करते हैं, शुद्ध वर्ण है वा अशुद्ध वर्ण है, अगर शुद्धता से लिया हो या अशुद्धता से लिया हो, जैसे भी लिया हो, ताते जीव तौरे यही शास्त्र निर्णय, शास्त्र में कहा गया है कि उसका उसको तो 100% मुक्ति होगी होगी, अगर नाम सुन लिया या नाम बोल दिया। इसके लिए देखिए ये सुनने से कितना प्रोत्साहन मिलती है ना हरि नाम लेने के लिए, चलो कोई बात नहीं है मैं नहीं ले पा रहा था, चलो कोई नहीं है मैं ध्यान पूर्वक नहीं कर पा रहा हूं, मगर मेरा टारगेट जरूर है, अगर ठीक है मैं कर तो रहा हूं ना, कहीं गुना अच्छा है जो नहीं कर रहे उनसे, तो जो नहीं करते उनसे तो अच्छा है ना, मैं कर रहा हूं, ये प्रोत्साहन है हमारे लिए। निरुत्साहित नहीं, हमको प्रोत्साहन प्रोत्साहित रहना है हमेशा, कोई भी चीज में निरुत्साहित नहीं होना है। हम कभी कभी वैष्णवों के बीच में हम कभी कभी कुछ कुछ ऐसे बातें शास्त्रों का चर्चा करते जो निरुत्साहित होते हैं, हो जाते हैं, अरे अच्छा एक बार भी किसी को गुस्से से देखा वैष्णव को तो भी आप नरक चले जाओगे, ये है ऐसे वर्णन है, अगर कोई किसी को अगर गुस्से से देख भी लिया ना वैष्णव को तो भी नरक जाना पड़ेगा, इतना अरे मैंने कितना बार गुस्से से देखा, क्या गुस्से से बोल भी दिया मैंने, किस किस को तो थप्पड़ भी मार दिया मैंने गुस्से से, अब क्या होगा मेरा। कोई बात नहीं, उसका उसका निस्तार भी है, उसका निस्तार भी है। तो जो भी है मीन्स हरिनाम का महिमा देखिए भक्तों, एक बार भी कोई सुना या बोला उसका तो कल्याण निश्चित है, 100% कल्याण है। तो हमको चर्चा ये करना है जी, तो ठीक है हरिनाम में इतना महिमा है और हरिनाम और वैष्णव सेवा करने से हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त भी होगा, मगर कैसा नाम लेने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, कैसा नाम, नाम के स्तर है, स्तरों के बारे में ये किताब में वर्णन किए हरि भक्ति विनोद ठाकुर, बड़ा सुंदर वर्णन किए,
जो हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु को बोलते हैं उसी को यहाँ पर वर्णन आती। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये चार्ट ऐसे मैंने समझाया हूँ कुछ, कितना भक्त ये चार्ट आपने समझे, पहले मैंने बताया था ये कितना लोग को याद है, मैंने बताया था 1 2 ओके ठीक है कोई बात नहीं। हाँ नया माता जी, नया माता जी को 4-5 बार सुन लिए होंगे, तो उनके घर पे भी ये बोला था और एक क्लास में बोला था, यहाँ भी क्लास में बोला था, ठीक है थैंक यू। सो मैं शॉर्टली ही इसको चर्चा करेंगे, यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देनी है, 9 स्तर है ठीक है भक्ति का, 9 स्तर है, श्रद्धा शुरुआत, श्रद्धा फिर साधु संग, तीसरा भजन क्रिया, चौथा अनर्थ निवृत्ति, पांचवा निष्ठा, उसके बाद रुचि, उसके बाद आसक्ति, उसके बाद भाव, उसके बाद प्रेम। समझ में आ रहा है, प्रेम 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 कृष्ण प्रेम, हम जो जिसको ये चर्चा कर रहे हैं वो कितने ऊपर है, 9th फ्लोर में है, हम कौन से फ्लोर में है, 9th फ्लोर में पहुंचेंगे तो कृष्ण प्रेम मिलेगा, मगर हम कौन से फ्लोर में पता है, हाँ तीसरा बोल रही है माता जी, तीसरा, हाँ तीसरा यस, हम कौन से फ्लोर में पता है माता जी, हम 1 2 3 4 ये जो चार ये है ना, चार सीढ़ी, ये चार सीढ़ी में चढ़ते हैं, नीचे उतरते हैं, फिर तीसरा में जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, फिर चौथा में जाके नीचे आते, ये स्तर पे हमारा, ये चार में भटक रहे हैं, हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, अनर्थ निवृत्ति तो के आगे तो गए ही नहीं, हमने अनर्थ निवृत्ति तक भी नहीं पहुंच पाया, अभी मैंने सही बोला आपने, एक्चुअली 3 ही है, ये 3 ही में फंसे हुए एक्चुअली देखा जाए तो, चौथा कहां पहुंच पा रहे हैं, चौथा मीन्स पूरा सीढ़ी में नहीं आए हैं, थोड़ा थोड़ा टच करके आगे चले जाते हैं, क्योंकि ना भजन क्रिया में अनर्थ निवृत्ति होती है, भजन क्रिया कर रहे तो अनर्थ निवृत्ति जरूर होती है, मगर उतना नहीं होती है पूरा सीढ़ी में आ जाए हम, थोड़ा हो रही है, थोड़ा भजन क्रिया हो रहा है तो थोड़ा हो रही है, तो थोड़ा टच करके पीछे आ जाते हैं, ऐसे ऐसे चल रहा है, तो हम लोग ना श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया में फंसे हुए इस तीनों में। आप बताइए ये 3 स्तर पे रह के आप प्रेम का आशा कर रहे हो, कैसे मिलेगा जी, और भले ही आप 20 साल में क्यों हो, जब 20 साल से आप क्यों ना हो ये जप कर रहे हो, 20 साल से आप क्यों ना हो साधु संग कर रहे हो, आप प्रेम तब पहुंचोगे तो उस स्तर के पहुंचने के लिए ये बाकी सीढ़ियों को प्राप्त कर मीन्स पार करके जाना पड़ेगा, प्राप्त करना, प्राप्त करके जाना पड़ेगा, है ना। लेकिन तो यहाँ पर 3 प्रकार की भक्ति का वर्णन है, वैधी भक्ति, सॉरी साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, ठीक है 3 प्रकार की भक्ति है, और उसको साधना भक्ति जो है वो 2 प्रकार की है, या चार्ट में आप देख सकते हैं साधना भक्ति 2 प्रकार क्या क्या है, वैधि साधना भक्ति, रागानुगा साधना भक्ति। वैसे ये बहुत बार चर्चा आप लोगों ने सुना है और हमने भी बोला है, तो फिर भी जस्ट एक रिविजन के लिए एक मैं बता रहा हूँ बस, साधना भक्ति 2 प्रकार का है, ध्यान दीजिएगा, वैधि साधना भक्ति, रागानुगा साधना भक्ति, है ना। अभी मैंने वहां पर चार्ट में ना वो मैंने ये किया हूँ कहाँ तक कौन सा भक्ति है, देखिए वैधि साधना भक्ति अनर्थ निवृत्ति तक है, आप देख पा रहे हैं आपके चार्ट में दिख रहा है ना, वैधि साधना भक्ति अनर्थ निवृत्ति तक है, ये 4 स्टेप है, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, ये 4 स्टेप में वैधि साधना भक्ति है, उसके आगे जब जाता है निष्ठा रुचि आसक्ति, ये 3 रागानुगा साधना भक्ति कहते हैं, उसके अंडर में आता है, उसके बाद भाव और प्रेम है, ठीक है मैं क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान मीन्स आप घबराइए मत, मैं क्लियर कर रहा हूँ। साधना भक्ति इसमें 2 प्रकार की जो है, वैधि साधना भक्ति, वैधि यानी विधि विधानों के साथ में जो हमने भजन कर रहे हैं उसको वैधि, विधि विधि विधान से, रूल्स एंड रेगुलेशंस है इस भक्ति में, तो वो भक्ति को वैधि साधना भक्ति कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसमें रूल्स रेगुलेशन है। तो आप कहोगे क्या प्रभु जी रागानुगा साधना भक्ति में रूल्स रेगुलेशन नहीं है, नहीं वहां भी रूल्स रेगुलेशन है, यहाँ फोर्सफुली करवाते हैं हमसे रूल्स रेगुलेशन, उस स्तर पे हम ऑटोमेटिक वो रूल्स हम फॉलो करेंगे, हमको जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं, हम अपने आप करेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा आप लोग का रिएक्शन मुझे चाहिए, मुझे पता नहीं चल रहा है, अभी सामने होते तो आप लोग पता चलता था क्या क्या समझ में, आप लोग वीडियो में बैठे ना मुझे पता नहीं चल रहा। समझ में आ रहा है श्री राम निमाई प्रभु, आ रहा है ना, हाँ ठीक है ओके। जयंती प्रभु समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है ओके हाँ जी भक्तों, ये कह रहा था मैं कि वैधि साधना भक्ति यानी विधि विधान
हमको जोर जबरदस्ती करना पड़ता, हमारा इच्छा नहीं है। ये वैदिक साधना भक्ति में हमारा इच्छा नहीं होता है विधि पालन करना, ये नहीं करना है, यही करना है, वो नहीं करना है। ये बहुत सारा रूल्स है ना, चार नियम पालन करो, अपराध मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये सारा विधि है ना। तो ये सारा विधि हमको इच्छा नहीं है। हमारा कैसे है, हमारा मन मन कैसे ट्रेनिंग लिया हुआ है कहीं जन्मों से, इस जन्म का नहीं बोल रहा हूँ, हमारा मन ट्रेंड है पहले से कि कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। मैं जो माई वे इज हाई वे, ऐसा ऐसा भक्ति है मेरा, ऐसा भक्ति होना चाहिए। मैं जो भक्ति करना चाहिए, नॉर्मली आप लोगों को मिलेंगे ना जो भक्ति में जुड़े नहीं, मगर नॉर्मल लोगों को मिलेंगे, वो क्या बोलेंगे बताए, उन लोग सोच लिए कि मैं जो कर रहा हूँ यही भक्ति है। कुछ लोग मिलेंगे बस वो भगवान के पास जाके दोक लगा के आ जाते दिन में, वो सोचते यही भक्ति है मेरा पूर्ण, वो पूर्ण भक्ति मानते हैं। ऐसा नहीं कि चलो मैं थोड़ा नहीं, बोलते कि बस यही यही ये भक्ति है बस। ऐसा कुछ लोग सोचते हैं मैं बस दीपक लगा देता हूँ सुबह शाम मेरे घर पे भगवान के सामने, यही भक्ति है। मीन्स माई वे इज हाईवे, मैं जो सोचा हूँ ना यही भक्ति है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आप उधर वहां जाके बोलोगे ना मांस नहीं खाना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, बोलेंगे कहाँ से आए पागल लोग, ये भक्ति होती है क्या? भक्ति कुछ लोग तो ऐसे बोलते भक्ति मीन्स मन मन से होना चाहिए, मन मन में चलता रहना चाहिए भक्ति। ये सब ना, ये सब बोलते ना वो सहजिया लोगों का इसरा वार्ड, सहजिया जो 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 सीरियस नहीं है भक्ति के प्रति, सहजिया लोग प्रभु जी चल रहा है ना चलने दो ना, ये सहजिया लोगों का वार्ड है। ये कोई सिंसियर भक्त का ये वार्ड नहीं है। जो सीरियस है भक्ति में वैसे नहीं कभी नहीं बोलेगा चलने दो करके, नहीं क्यों चलने दो ऐसा नहीं, अच्छा करना है। सिंसियर भक्त क्या पूछेगा, कैसे मैं अच्छा जप करूं, कैसे अच्छा सेवा करूं। और जब कोई ये बोलता है कि चलने दो ना चल तो रहा है और क्या है, वो सिंसियर नहीं है जी। ध्यान रखिएगा कि वो सहजिया है, ढीला डाला, चलाने के लिए चला रहे। वैसे लोगों के लिए, वैसे भक्तों के लिए बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तबे तो ना पाए कृष्ण प्रेम धन। उसको कहीं जन्म जन्मांतर भी वैसा भक्ति कर ले तब भी कृष्ण प्रेम धन उसको नहीं प्राप्त होगा। वहां जो हमने पढ़ा था कृष्ण प्रेम धन चाहिए तो भक्त को सिंसियर होना पड़ेगा, सिंसियर होना पड़ेगा। तो ये हम कह रहे हैं विधि विधान भक्तों, ये विधि विधान ही हमको अपराधों से रोक सकता है। ध्यान रखिएगा विधि जो नहीं पालन कर रहा है वही अपराध करते हैं, जो नियम तोड़ा वही अपराध किया 100% है। जो नियमों में है उससे अपराध होगा ही नहीं है जी, सिंपल बात है। अपराध क्यों हो रहे अगर प्रश्न आ रही है मन में, ध्यान रखिए विधि को कहीं ना कहीं फॉलो नहीं हो पा रही है, कोई ना कोई रूल्स टूट रहा है मेरे से, इसलिए मेरे से अपराध हो रही है। यस, तो इसके लिए विधि विधान बहुत जरूरी है। वो हम उदयपुर में रहे, बॉम्बे में रहे, कहीं भी रहे, हम विश्व के कहीं भी रहे, रूल्स रेगुलेशन भक्तों के लिए चाहिए ही चाहिए। नियम तो नियम है, उसको फॉलो करना जरूरी। और देखिए फिर प्रभु जी कब तक करना है, कब तक करना है पता है, कृष्ण की चरण कमलों प्राप्त होने के बावजूद भी करनी है हमको। ये ध्यान रखिएगा कब तक करनी है, जब प्रश्न उठती है मन में तो ध्यान रखिए हमको तब तक करनी है। कब तक, कृष्ण मिलने के बाद ये करते रहनी है, ये कभी रुकना नहीं है। कब तक जप करनी है, कब तक कीर्तन करनी है, अरे बाबा यही करनी है एक्चुअली, यही करने के लायक था, हमने उसको थोड़ा रोक कर कुछ दूसरा ऐड कर दिए, मगर करने के लायक यही करना है। आप बताइए आप अगर कृष्ण लोक में जाएंगे तो वहां पर आपको थोड़ी ना कि बोलेंगे ओड़ी कृष्ण बैठिए पीछे बैठिए मैं ओड़ी कार चलाता हूँ आपको ले जाऊंगा गोपियों के पास बैठिए प्लीज, वहां ओड़ी कार आपको चलाने नहीं मिलेगा। आप बोलोगे कृष्ण एक मिनट रुकिए मैं एक अच्छा प्रेजेंटेशन बना के आज गोपियों के सामने पेश करूंगा, आपने क्या क्या कृपा किया है, वहां पर वो सब नहीं चलेगा। वहां ये सब कोई काम का नहीं है, हमने ये सब जोड़ दिया है, ये करना वो करना वो करना। शारीरिक ठीक है, शरीर को जितना चाहिदा है उतना देना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, बाकी हमको यही करना हमेशा करना है कि नहीं। तो ये विधि विधान को पालन करते 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 एक समय आएगा, कौन सा समय, जो रागानुगा साधना भक्ति स्तर आएगा। ठीक है, रागानुगा यानी आपको तभी फोर्सफुली करने का जरूरत नहीं, आप अपने आप करते रहेंगे। आप कभी वैष्णव को निंदा नहीं करेंगे, ऐसा ट्रेंड हो जाएंगे आप, ऐसे आपको उसमें, क्योंकि ना उस तरह है ना निष्ठा किस तरह आ जाएगा, निष्ठा रुचि किस तरह आ जाती है उस समय, तो आप ऐसे आपका मन ट्रेंड हो जाएगा तो आप तब अपने आप करोगे। I mean, do and don't, ये अपने आप होगा,
क्या करना चाहिए अपने आप करोगे, क्या नहीं करना चाहिए अपने आप छोड़ दोगे। हमारे आचार्य वृंद, वर्तमान आचार्य वृंद, वो तो प्रेम के स्तर के भक्त हैं, गुरु वृंद हैं, आचार्य वृंद है अभी जो वर्तमान प्रभुपाद जी के शिष्य वगैरह, वो तो उस स्तर पे हैं, मगर उनको देखिए वो जानते हैं, वो अपने आप सुबह उठेंगे। हमको सुबह उठने में कितना तकलीफ होती है, खास करके जाड़ा के समय पर, अभी जो ठंडी का समय चल रही है तकलीफ होती है, मगर जो भक्त लोग ट्रेंड हो चुके हैं, अपने मन को ट्रेंड कर लिए हैं, जिनका निष्ठा हो गया नहीं उठना है सुबह, क्योंकि ना यही जीवन का ध्येय है मेरा, क्योंकि ना मुझे पहुंचनी है प्रेम तक, जब तक नहीं उठूंगा सुबह उठ के जप नहीं करूंगा तब तक प्रेम कहां से मिलेगा मुझे, चलेगा 10 बजे जब करूंगा ना उठ के, कैसे प्रेम को प्राप्त करोगे आप 10 बजे उठकर। हम जब कहते हैं ना सत्वगुण में ही जप नहीं कर पाते सत्वगुण समय पर, हमने रजोगुण तमोगुण में जप करके कैसे कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे, नामुमकिन है ना, हो नहीं पाएगी। अरे बाबा मैं आपको बताऊं, सुबह सुबह मैं भगवत गीता क्लास ले रहा था, हाँ प्रीति माता जी, सुबह सुबह भगवत गीता का 1 श्लोक 2 श्लोक चर्चा कर रहा, मैं बंद इसके लिए किया, एक बार सुबह का जप रुक गया, अभी वहां से 7:45 चला जाता था मैं गीता में, 30 मिनट चला जाता था, मैंने उत्साह से तो शुरू किया और लगभग 6 अध्याय तक तो हमने कर भी लिया मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट श्लोक, मगर मैंने रियलाइज किया उस बीच में मेरा जब जप रुकता था ना, मेरा दिन में मुझे बहुत कठिनाई महसूस होने लगा, मेरे से नहीं हो रहा था जपा, नहीं हो रहा था, मीन्स हो रहा था मगर वो क्वालिटी नहीं मिल रहा था मुझे जप में, तो मैं इसके लिए जानबूझ के फिर गीता बंद कर दिया सुबह का, नहीं क्लास तो फिर जब पूरा करे 16 मन उसके बाद करे जो भी क्लास करे, कभी इमरजेंसी में अलग बात, मीन्स कभी कभार, जैसे आज हमने सुबह मिल गए क्लास के लिए वो अलग बात है, कभी कभार, नहीं तो 16 माला करके फिर दूसरा काम, वो क्यों कुछ भी क्यों ना हो। इसलिए हम सारे भक्तों का एक टारगेट हो जाना चाहिए, क्योंकि ना हमको सिंसियर बनना है, क्योंकि ना हमारा उद्देश्य पहले क्लियर कर दिया, कृष्ण प्रेम चाहिए। अगर उद्देश्य अलग है तो कोई बात नहीं, उद्देश्य हम सबने एग्री किया, आप सब एग्री हो ना मेरे साथ, कृष्ण प्रेम चाहिए ना हमको कि नहीं चाहिए, जो जो वीडियो में ऑफ है उन लोग को चाहिए नहीं चाहिए, जो तो ऑन है तो उनको चाहिए ही, जो ऑफ है उनको भी चाहिए, राइट ओके। मैं समझ पा रहा हूँ आप लोग का फीलिंग्स, हाँ आप लोग को चाहिए यस। तो देखिए हमको चाहिए कृष्ण प्रेम, अगर कृष्ण प्रेम चाहिए तो भक्त आप बताइए कैसे संभव हो पाएगा कि हम लोगों ने ये इस प्रकार से सुबह दोपहर को जप कर ले, दिन में जप कर ले, रात को जप कर ले बैठ के, कैसे मिल पाएगा। उसके लिए हमको कुछ हमको बाउंड्री बना देनी चाहिए, इसके बाहर नहीं, 8 बजे 9 बजे से पहले 16 माला मेरा कंप्लीट हो जाए, या कुछ भक्त लोग सुबह मेरा मंगल आरती हो जाए, मेरा गुरु पूजा भी हो जाए, तुलसी आरती भी कर लो, उसके बाद जपा भी कर लो, जो मॉर्निंग का साधना है ना भक्तों, ये हम लोगों का आप कहते हैं ना टॉनिक है, टॉनिक समझ रहे आ रहा है, टॉनिक आप लोग खाया नहीं खाया पता नहीं, हम जो बचपन में थे कभी अगर शरीर में अगर कमजोरी आती तो डॉक्टर टॉनिक्स देते थे, वो टॉनिक्स से क्या होगा शक्ति आने के लिए बच्चों को, है ना टॉनिक्स। तो ये हम लोग का सुबह का जो साधना है ये टॉनिक है हमारा भक्ति में, आप एक दिन सुबह का साधना अगर मिस करोगे देखो आपका आपको कितना दुर्बलता आ जाएगी, शारीरिक दुर्बलता नहीं आपको भक्ति में दुर्बलता आ जाएगी। अनुभव हुआ किसको किसको अनुभव हुआ, मुझे तो अनुभव बहुत हुआ, मुझे तो बहुत अनुभव हुआ है, अगर सुबह साधना कहीं गड़बड़ हुआ, होती है कभी कभी सेवा आ जाती है कुछ आ जाती है तो गड़बड़ हो जाता है, तो वो बहुत ऐसे लग रहा है कि मैं भक्ति में बहुत वीक हो गया हूँ एक ही दिन में, ऐसे लग रहा है। आप सोचिए कुछ भक्त की लंबा लंबा समय तक अपना साधना को नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं यानी सुबह नहीं करते हैं दिन में करते हैं, शेड्यूल बना दिए हैं, तो आप बताइए उन आप कैसे सोच सकते हैं उन लोग का ये होगा करके, भक्ति में शक्ति होगा करके ना, कितना दुर्बल हो जाएंगे भक्तों। ध्यान रखिए एक दिन भी नहीं मिस करें, बहुत ज्यादा परेशानी है कि ठीक है कोई ऐसा बीमारी आ गई कि मैं नहीं उठ पाऊंगी उठ पाऊंगा या ऐसा कोई परिस्थिति है वो अलग बात है, कहते हैं ना उड़िया में अकाल सकाले चलेगा, मीन्स कभी कभार कभी ऐसे हो गया जानबूझ के नहीं, चलो ना पूरा कार्तिक महीना तो सुबह उठ के जप किया, अभी मार्गशीर्ष में 2-3 दिन सुबह सो जाता हूँ दोपहर को जप कर लूंगा, क्यों कार्तिक महीना में ही किया मार्गशीर्ष में क्यों 3 दिन सो जाएंगे ना। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपके मन में ये दृढ़ता है ना, ये सिंसियरिटी है ना कि मुझे कृष्ण को प्राप्त करनी है, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करनी है, भक्तों अगर आप छूटना भी चाहोगे ना, कृष्ण आपको ऐसा परिस्थिति नहीं देंगे छोड़ने के लिए ना,
अब मेरा ये बहुत अनुभव हुआ है, मैं चाहता हूँ कभी कभी कि नहीं मेरा सर दुख रहा है, मैं आज नहीं उठूंगा, नहीं हो पाती है, परिस्थिति ऐसे नहीं आता है। मैं आपको बताऊं, या मंदिर में अपना श्री राम निमय प्रभु बृहत रूप वगैरह को अनुभव है, मैं कभी कभी मंगल आरती नहीं जा पाता हूँ नीचे, मगर मैं सो भी नहीं पाता हूँ। ध्यान रखिएगा, अगर मेरा स्वास्थ्य खराब है मैं सो भी नहीं जा पाता हूँ। क्यों? मेरा रूम एग्जैक्टली मंदिर के ऊपर ही है, वहां मुर्दंग पीटते हैं, करदाल पीटते हैं, कहां सो पाऊंगा बताइए? कृष्ण ऐसा परिस्थिति नहीं देते मुझे सोने के लिए ना। सोना है तो मुझे दिन में एक घंटा फिर मोबाइल को बंद करके सोना पड़ेगा। यस, ऐसा कभी सोच रहे प्रभु जी आए नहीं तो नहीं, बाबा होता ही नहीं। आप आके मेरे रूम में सोइए, देखिए नीचे अगर कोई ऐसे खांसेगा भी ना डिस्टर्बेंस होगा, नहीं सो पाओगे। तो मैं बोलता ना, अगर आप आपका टारगेट फिक्स है, गोल फिक्स है, तो कृष्ण आपको ऐसा परिस्थिति, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि मैं बहुत सिंसियर हूं, ना मुझे भगवान जानते मैं नालायक हूं, मैं बंक मारूंगा हर स्थिति में, इसके लिए भगवान देते नहीं है ये नालायक है करके। मगर सिंसियर भक्तों के लिए भगवान ने ऐसा परिस्थिति उनको देते हैं कि वो शुद्ध वातावरण में रह के भक्ति कर पाएगा। तो हम उसके लिए हमारा मन को ट्रेन करना है, डेडिकेशन कि नहीं मुझे करना है, छोड़ना नहीं किसी भी हाल में, मुझे बढ़नी है आगे, मुझे यही नहीं रुकना है। कोई बात नहीं ना, कोई कोई ऐसे भी सोच सकता है, मेरे बचपन से ही मेरे घर में भक्त है, मेरे माता पिता तो बचपन से ही मेरे माता पिता भक्त है, इसके कारण मैं जानता हूँ भक्ति को। जानता हूं तो क्या हो गया, कर तो नहीं रहा हूं ना मैं, जानता हूं तो क्या हो गया, जानना अलग होता है करना अलग होता है। मेरे बात समझ में आ रहे ना आप लोग को? एक चीज होता है जानना, मैं जानता हूँ सब कुछ, सारा फिलोसफी जानता हूँ, इस्कॉन का सारा भक्ति के बारे में जानता हूँ। क्या हो गया जान के, क्या आपने उखाड़ लिया जानकर बताइए, किया कितना है वही देखेंगे, आपने कितना प्रयास किया वही देखेंगे, आपने कितना जानते हो नहीं देखेगा कोई, कितना विद्वान हूं मैं वो कोई नहीं देखता, आपने कितना किया भक्ति, आपने कितना सेवा किया, आपने कितना जप किया वो देखा जाएगा, वही मापदंड है हमारा भक्ति में प्रगति का। इतना प्रोत्साहन हम लेते, कभी कभी क्लास में इतना प्रोत्साहन, प्रभुपाद जी ने बोला 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, पीछे की दरवाजे से गोलोक वृंदावन में एंट्री देंगे, कितना प्रोत्साहन वाला बात है ना, प्रोत्साहन वाला बात है कि नहीं है? मगर थोड़ा सा आप ध्यान से करिए, सिर्फ 16 माला करने से पीछे से, सिर्फ करने से पीछे से एंट्री दे सकते हैं प्रभुपाद जी, मगर प्रभुपाद जी ध्यान से, प्रभुपाद जी बोले हैं कि भक्तों के साथ सुंदर व्यवहार, साथ साथ में भक्ति में अपराध मुक्त नाम, अपराध मुक्त नाम होगा तब। अपराध युक्त नाम में प्रभुपाद जी भी क्या कर सकते हैं, आप गिड़गिड़ाओगे तो भी प्रभुपाद जी क्या करेंगे, आपने इतना अपराध कर लिया मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अगर अपील करूंगा कृष्ण के पास, राधा रानी के पास, तो आपका चिट्ठा तो क्लियर होनी चाहिए, इसने प्रयास किया है अपराध नहीं करते हुए, तो मैं बताऊं कि उसने अपराध नहीं किया है प्रभु, हे मैया राधा रानी, इसने अपराध नहीं किया है जीवन भर में, और कहीं कहीं भूल चुक हो भी गया ना, उसने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया, इसको माफ करके ले लो। हमने तो जानबूझ के इतना अपराध करते हैं, तब तो आप बताइए कैसे रेकमेंड करेंगे प्रभुपाद जी हमको आगे, या गुरुदेव हमको रेकमेंड करेंगे, या कोई वैष्णव कैसे रेकमेंड करेंगे ना। हम अपना स्थिति समझना चाहिए, हम कौन सी स्थिति में, हम कितना नालायक है, हम दोष देते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, उसने मुझे ये नहीं। अरे बाबा मेरा स्थिति समझिए, मैं मेरा स्थिति समझिए पहले, मेरा स्थिति क्या है, मैंने क्या, कौन से स्तर पे हूँ अभी, मैंने क्या क्या गलतियां कर रहा हूँ, कर रहा था, करते रहूंगा, मेरा ये स्थिति है। ऐसा स्थिति में कौन रेकमेंड करेगा हमको? अरे दीक्षा के लिए रेकमेंड नहीं करते तो आगे का छोड़ दो आप लोग, ये लोग वैष्णव लोग तो दीक्षा के लिए रेकमेंड नहीं करते, अगर कोई गड़बड़ होती है साधना में तो आगे क्या आपको रेकमेंड करेंगे कृष्ण प्रेम के लिए, है कि नहीं? तो जो भी है यहाँ पर आप देखिए कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है विधि विधानों को पालन करना भक्ति में, वरना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी हमारे लिए भक्ति। भक्ति सरल उसके लिए जो नियम पालन कर रहा है, भक्ति कठिन उसके लिए जो नियम पालन नहीं कर रहा है। सिंपल डेफिनेशन है, अगर रुचि नहीं आती है भक्ति करने में, नियम पालन नहीं कर रहा है ये व्यक्ति। अगर उसको बहुत रुचि आ रही है जप करने में, साधना करने में, सेवा करने में, इसका मतलब उसने नियमों में है, वो जो गुरु वैष्णव नियम बताए शास्त्र में पढ़कर उसने पालन कर रहा है बेचारा, सिंपल है। और इसमें
इसमें कृष्ण भी कुछ नहीं इसका आपको रोक नहीं सकते गोलोक वृंदावन जाने में, कृष्ण भी नहीं रोक सकते चाहेंगे तो। अगर आपने गुरु के आदेश से वैष्णव के आदेश से अपराध मुक्त होकर सेवाओं को किया है और भक्ति को किया है तो ना कृष्ण रोक ही नहीं सकते। हमने अभी अभी पढ़ा ना कृष्ण प्रेम भगवान ने उसको छुपा के रखे हैं, तिजोरी में बंद करके रखे हैं, चाबी वैष्णव के हाथ में है। वैष्णव उसमें राधा रानी भी है और फिर आगे आगे बढ़ेंगे तो वो है पूरा वो चैन है, वैष्णव का चैन है, वैष्णव का चैन। तो कृष्ण जरूर ये संपत्ति कृष्ण का है, कृष्ण प्रेम उनका निजी संपत्ति है, वो चाहेंगे तो किसको भी दे सकते हैं, मगर प्रॉब्लम ये है दे नहीं सकते क्योंकि ना चाबी नहीं है। कृष्ण प्रेम का धन उनके साथ पास में है, वो खुश है मेरे पास कृष्ण प्रेम है, मगर दुखी इस बात का मैं दे नहीं सकता हूं, चाहूंगा भी तो क्यों, इसका चाबी नहीं है, लकड़ का चाबी वैष्णव के हाथ में दे दिया गया है, वो चाबी नहीं खिलेंगे तो कैसे देंगे। तो इसके लिए वैष्णवों को, वैष्णव जब प्रसन्न रहेंगे और वैष्णव के लिए प्रसन्न करने के लिए क्या तरीका है, क्या तरीका बताइए, वैष्णव कैसे प्रसन्न होंगे, उनको अच्छा खिलाने से ठीक है, वो एक माध्यम हो सकता है, उनको अच्छा ये करने से, घुमाने से, गाड़ी देने से, बंगलो देने से ना, वैष्णव को सच्चा वैष्णव को ये वो प्रसन्न तब होता है जब आप अच्छे से भक्ति करोगे, अच्छा नाम जप करो, वैष्णव देख के इतने प्रसन्न हो जाएंगे उनको और कुछ गदगद हो जाएंगे, जो और कुछ नहीं चाहिए उनको वैष्णव को। आप बोला ना मैंने 16 माला अच्छे से कर रहा हूं तो उनकी प्रसन्नता का सीमा नहीं रहेगी वैष्णवों का, यही चाहिए उनको। तो वैधि साधना भक्ति में विधि विधान के साथ कर रहे हैं, एक्चुअली हम सबका स्तर वही है, हम मन नहीं मान रहा है मैं वैधि साधना में नहीं हूं, मैं कम से कम रागानुगा में तो हूं, है ना, मन नहीं मान रहा है, रागानुगा तो मन तो सोच लिया है। कभी कभी हम लोग सोच लेते हैं ना मैं कनिष्ठ भक्त थोड़ी उसके ऊपर आ गया हूँ, दीक्षा हो गया है ना मेरा, तो मैं तो कनिष्ठ के ऊपर आ चुका हूँ, मध्यम तो हूं मैं कम से कम, एक्चुअली मैं शुद्ध हूं मगर मैं बता रहा हूं लोगों को मध्यम में हूं करके। मन नहीं मान रहा है, मन कभी नहीं हमको बोलता है कि तू कनिष्ठ है बेटा, तू ना मन मानेगा नहीं। हमने तो सुना है कि दीक्षा के बाद मध्यम होते हैं, हम कनिष्ठ क्यों माने, प्रॉब्लम ये है ना, दीक्षा लेने से कोई मध्यम स्तर पे या उत्तम स्तर पे नहीं आ जाता है, नहीं आ पाएगा। मध्यम स्तर उत्तम स्तर आपका जप का क्वालिटी, आपका साधना का क्वालिटी, आपका वैष्णव व्यवहार, आपका सेवा का मूड, मूड कौन सी मूड से सेवा कर रहे हो, ये सब के ऊपर आधारित है आपका आपका प्रगति, आपने कौन से स्तर पे है। स्तर आपने निर्णय मत करिए, स्तर निर्णय करने वाले वैष्णव है कि नहीं, स्तर कौन निर्णय करते हैं, वैष्णव। अब इलेक्शन चल रहा है ना राजस्थान में, इलेक्शन हो गया नहीं, कुछ इलेक्शन चल रही थी अभी कोई खड़ा हो गया, उसका चिन्ह हो सकता है कमल पुष्प का चिन्ह है, ठीक है, वो खड़ा हुआ है, वो खुद नहीं डिसाइड कर ले कि मैं बस हमारे यहाँ का मेयर बन गया उदयपुर का, उसको चुना जाएगा, उसको लोग चुनते हैं वोट देकर, सही बात है। इलेक्शन में सिर्फ खड़ा हो जाने से आपको वो पोजिशन नहीं मिल जाती, हम लोग का यही तो प्रॉब्लम है, हमने सोच लिया कि हमने पोजिशन मिल गया मध्यम स्तर का उत्तम स्तर का, ना हमको वोटिंग देंगे वैष्णव, जनता वोटिंग करेगा, ये क्वालिफाइड है कि नहीं है। मैं आजकल का पॉलिटिक्स का बात नहीं कर रहा, आजकल का पॉलिटिक्स तो बेकार है, सच्चा पॉलिटिक्स में बोल रहा हूं, मीन्स जो सच्चा राजनीति है, सच्चा चुनेंगे ना क्वालिफाइड व्यक्ति को तो जनता चुनती है क्वालिफाइड कौन है, वैसे ही वैष्णव में भी आप कितना बड़े वैष्णव हो वो आप नहीं डिसाइड करो, वो वैष्णव डिसाइड करेंगे आप कितने महान हो या आप कितने नीचे हो या आप कितना बीच में हो। आप बताइए हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं हम कौन से स्तर पे हैं, ये गलत है, गलत है। इसके लिए वैष्णव डिसाइड करेंगे, वैष्णव डिसाइड कैसे करेंगे, क्वालिफिकेशन देखकर, क्वालिफाइड है कि नहीं है तब वो डिसाइड करते, शुद्ध ये उत्तम स्तर के भक्त है कि मध्यम स्तर के भक्त है या कनिष्ठ भक्त है, क्वालिफाइड देखेंगे। तो इसके लिए कभी कभी अभी देखिए वोटिंग में होता है ना, तीन व्यक्ति खड़ा है, एक व्यक्ति को 1000 वोट मिला है, समझ में आ रहा है ना मेरे बात, आप लोगों को समझ में आ रहा है, ओके ठीक है, एक व्यक्ति को 1000 वोट मिला और एक व्यक्ति को 1500 वोट मिला और एक व्यक्ति को 2000 वोट मिला, इसमें सिलेक्ट कौन होगा, 2000 वाला सिलेक्ट होना चाहिए ना,
होना होता भी है, मगर 1000-1500 वाले वोटिंग वाले इतना ईर्ष्या करते उसको खींचने के लिए, सही बात है। हम लोग के अंदर भी यही प्रतियोगिता चलती है, अगर कोई भक्त आगे चला गया तो हम सोचते उसको खींच के पीछे रखें, हम आगे चले जाए। ये हम लोग का मीन्स मेरे स्तर का बात कर रहा हूँ, ये हम लोग का। अरे कोई वैष्णव प्रगति कर रहा है तो कितना प्रसन्न होनी चाहिए हमको, वो वाह मैं ऐसे कब बन पाऊंगा, उसको खींच के वैसा नहीं बनना है, उनको और आगे बढ़ाकर मैं बनूं ऐसा, ये वैष्णव का मूड होनी चाहिए। यस, तो भक्ति में कहते हैं ना क्या है वो, कंपटीशन बहुत अच्छा है मगर खींचने के लिए नहीं। कंपटीशन अच्छा है कि वो भक्त अगर 64 माला रोज कर रहा है ध्यान पूर्वक, मैं कम से कम 16 माला तो ध्यान पूर्वक करूं, कंपटीशन मैं 64 करूं, मगर उनको नीचा करके नहीं, वो कैसे 16 में आ जाए मैं 64 में चला जाए, उसके लिए नहीं। वैष्णव का वैष्णव समाज यानी हर एक वैष्णव को आगे बढ़ाते हुए हमको आगे बढ़नी है, ये वैष्णव समाज है। ये इसमें इसमें स्वार्थ एक ही है कि वैष्णव भी प्रगति करे मैं भी प्रगति करूं, ये स्वार्थ है। इसके लिए भक्तों ये जो वैदिक साधना भक्ति हम लोग कर रहे हैं ये बहुत महा, देखिए कितना कृपा भरा हुआ है वैदिक साधना भक्ति में, कितना कृपा, क्यों क्यों कृपा भरा हुआ है पता है वैदिक साधना भक्ति में, ये विधि विधान हमारे आचार्य जो कृष्ण प्रेम प्राप्त करके विधि विधानों को हमको दिया है, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ये आचार्य लोग हमको दिया है, इसके लिए विधि विधानों में भी कृपा है, ये हमारे लिए जब दवाई है, दवाई की बात आता है तो कड़वा दवाई तो भी उसमें कृपा रहती नहीं रहती है, कौन सा कृपा, स्वास्थ्य ठीक होती है। हमारे प्रीति माता जी ने बार बार लाके कड़ा देती है, पियो, हम बोलते क्यों कड़वा देती हो हमको माता जी, अरे बाबा कोरोना से बच जाओगे, उसमें अमृत है, कड़वा नहीं है अमृत, एक्चुअली जीवा को लगता है कड़वा मगर है अमृत है, एग्जैक्टली ये नियम हमारे लिए कड़वा लगता है मगर ये हमारे लिए अमृत है, ये हमारे जो आचार्य लोग हमको दिए नियम वही अमृत के बराबर है हमारे लिए। यस, इसको समझना पड़ेगा, विधि विधानों को बहुत, कुछ भक्त तो छूट जाते हैं नियमों को सुनते ही बाहर निकल जाते, नहीं करना ये सब नहीं होगा मेरे से, नहीं हम लोग देखिए ये चर्चा अगर हम लोग नहीं करेंगे कब करेंगे, नहीं प्रभु जी ये तो ये स्तर पे नहीं अभी बाद में करें, अरे बाबा नियम जब लगता है कि वो कम से कम प्रभुपाद जी को जान लिया, इस्कॉन को जान लिया तो उसको उसको ये सारा पता होनी चाहिए, कौन सा भक्ति कौन सा है, कैसे आगे बढ़नी, आप उनको छुपा छुपा के रखोगे ना वो एक दिन ना वो निकल जाएगा, वो कहीं किसी के हाथ में नहीं आने वाला है वो। हमेशा ध्यान रखिए कोई भक्त का प्रगति कराना चाहते हो उसको जड़ से जुड़ा दीजिए, जड़ यानी हमारे आचार्य लोग, रूप सनातन से जुड़ाइए, हमारे सर गोस्वामी से जुड़ाइए, प्रभुपाद जी से जुड़ाइए सर्वप्रथम। तो आपने प्रभुपाद जी को जुड़ा दिया वो उसका प्रगति निश्चित निश्चित हो जाएगा, वो प्रभुपाद जी से जुड़ गया है हमारे आचार्य से जुड़ जाएगा, हमारे स्तर तक ही रखेंगे बस, नहीं नहीं बस मेरे ही काउंसलिंग में होनी चाहिए या मेरे ही क्लास में आनी चाहिए आगे नहीं, तो वो आपके हाथ से भी निकल जाएगा, वो उधर भी नहीं आएगा। यस, नहीं आएगा, लेकिन ध्यान रखिए उनको जब तक हम मूल से नहीं जुड़ाते हैं तो तब तक उसका जीवन खतरे में है, और वो खतरा हमने दिया है उसको, खतरे में डाल के रखा है, ध्यान रखिएगा हमने खतरा में उसको, उसको हमने नहीं आगे दिखा रहे हैं तो हमने खतरे में डाल रखा है, उसको आगे बढ़ाइए, वो पैसे मिलाइए उनको, आचार्यों से मिलाइए, उनको बताइए क्या है भक्ति, लोग इंटरेस्टेड है समझने के लिए सुनने के लिए करने के लिए, हम उनको देना नहीं चाह रहे हैं, हम उनको रोकने चाहे, अगर ये और अच्छे से सीख जाएगा तो कहीं आगे नहीं बढ़ जाए मेरे से, ईर्ष्या इतना भरा हुआ हम लोग के अंदर तो क्या कर सकते हैं। तो भक्तों ये अमृत है हमारे लिए, हमारा जी जो नियम कानून अमृत है, तो जब श्रद्धा के स्तर पे होती है कोई कोई भक्त होता है तो जैसे ही श्रद्धा होती है जितना श्रद्धा है उतना उसको साधु संघ मिलती है, ध्यान रखिए ये भी मापदंड है, आपका श्रद्धा एक पॉइंट है तो साधु संघ एक पॉइंट ही होगी आपका, आपका श्रद्धा 100% है तो साधु संघ आपको 100% होगा, शुद्ध साधु मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी बोलते हैं कि मैं साधु संघ नहीं हो पा रही है बहुत, अरे आपका श्रद्धा अगर इतना है तो भगवान ने आपके लिए अरेंज कर देंगे साधु संघ। और देखिए इसमें ये जो आपने यहाँ पर चार्ट देख रहे हैं हर एक स्तर एक स्तर से लिंक है, कोई ऐसा नहीं कि अलग है, श्रद्धा जितनी होगी उतने ही साधु संघ होगा, और जितना साधु संघ कर रहे उतना ही भजन क्रिया आपका होगा, ध्यान रखिए आप अगर साधु संघ बार बार कर रहे हो तो आपका भजन बहुत आगे बढ़ेगा,
बहुत अच्छा जप होगा, बहुत अच्छा सेवा होगी। आपने साधु संघ घटा दिया, साधु संघ यानी कथा सुनना, वैष्णवों को सेवा करना, उनसे गाइडेंस लेना, ये सब साधु संघ। एक्चुअली ये जितना कम करोगे आप, आपका भजन भी उतना कम हो जाएगा, लिंक के एक दूसरे से, ध्यान रखिएगा। तो साधु संघ जैसे जैसे किया भजन क्रिया, और साधु की कृपा से भजन क्रिया चालू हो जाती है, नाम जप है भजन क्रिया यानी सब है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्म, ये सारा हमारा भजन क्रिया एक्चुअली, नवदा भक्ति हमारा भजन क्रिया है जी, ठीक है। और ये भजन क्रिया जितना करोगे उतना हमारे हृदय में जो अनर्थ है वो धीरे 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 खत्म होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जितना हमारा भजन क्रिया होगा उतना हमारा अनर्थ निवृत्ति होगी। फिर से नीचे आइए, हमारा भजन क्रिया उतना ही होगा जितना हम साधु संग कर रहे हैं, नीचे हमारा साधु संग उतना होगा जितना हमारा श्रद्धा है, ध्यान रखिएगा। सब लिंक है, इंटरलिंक है, ऐसा नहीं कि आप अनर्थ निवृत्ति अभी मीन्स भजन क्रिया शुरू हुआ तो साधु संग कम कर दोगे, सिर्फ भजन करोगे चलेगा ना, भजन क्रिया के साथ साथ साधु संग भी होता रहना चाहिए, तब आपका भजन क्रिया ठीक से चलता रहेगा, नहीं तो गड़बड़ जाएगा। जगत पल का मत समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ यस। और भक्तों जब हम भजन क्रिया करते हैं जितना दृढ़ता से सिंसियर से करते हैं उतना हमारा अनर्थों का निवृत्ति होती है। और यहाँ पर मैंने लिखा हूं, देखिए आप उसको थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं, सबसे ज्यादा समय लगता है यहाँ पर श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया फटाफट होती है। थोड़ा श्रद्धा है, कोई भक्त मिल गया आपको, गीता दे दिया, आपका श्रद्धा है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया, उन वैष्णव के पास गए आप मिले और बोले कि मुझे क्या करना है बताइए, कैसे मैं भक्ति में आऊं, तो आपको जप माला दे दिए, चलो जप करिए, आप अपना जप शुरू कर दिया, एक माला से शुरू कर दिया, आपका भजन क्रिया चालू हो गया, आपका भजन क्रिया चालू हो गया, धीरे धीरे 16 माला तक भी आ गए। एकादशी एकादशी में बढ़ाने के लिए बोलते हैं कुछ वैष्णव, कोई कोई बोलता है कि हर महीने में एक बड़ा, तो ऐसे बड़ा बड़ा के 16 तक भी पहुंच जाते हैं, भजन क्रिया चल रही है। ध्यान रखिए हमारा अनर्थ निवृत्ति में, भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति के बीच में एक बाधा आती है, वो क्या है? वो है अपराध, वो है अपराध, ठीक है। चर्चा तो करेंगे, अपराध का ही चर्चा हो रही है, अनर्थ निवृत्ति। और जैसा जैसा आपके हृदय का अनर्थ यानी मैं चर्चा करूंगा, अनर्थ यानी हृदय का कलमश, हृदय में गंदगी है, जैसे जैसे आपके हृदय क्लीन होगा अनर्थ जाएगा, वैसा वैसा आपको भक्ति में, भक्त में, शास्त्र में, कृष्ण में, गुरु में निष्ठा बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? जितना जितना अनर्थ निवृत्ति होगा उतना उतना आपका निष्ठा बढ़ेगी, जैसे जैसे निष्ठा बढ़ेगी आपको रुचि आने लगेगा भक्ति में, बड़ा टेस्ट, रुचि समझ रहे, टेस्ट टेस्ट आने लगेगा आपको भक्ति में। अभी कितना कड़वा लग रहा है हमको भक्ति, टेस्ट नहीं है, टेस्ट क्यों नहीं है? निष्ठा नहीं है, निष्ठा क्यों नहीं है? अनर्थ भरा हुआ है, अनर्थ क्यों भरा हुआ है? भजन क्रिया गड़बड़ा रहा है, भजन क्रिया क्यों डबाडोल है? साधु संग बराबर नहीं है, साधु संग क्यों डबाडोल है? श्रद्धा ही नहीं है, पूरा रिलेटेड है भाई, पूरा इंटरलिंक है कि नहीं है? रुचि आने लगेगी, और उसके आगे एक तरह आसक्ति, रुचि टेस्ट आ जाएगा ना, आप आसक्त तो हो जाओगे। राजस्थानियों को पूछो कितना दाल बाटी में आसक्त है ये लोग, क्योंकि ना रुचि आया है, रुचि रुचि को टेस्ट किया है लोगों ने, दाल बाटी बढ़िया से, तो उन कितना आसक्त है, दाल बाटी का नाम लेते कान खड़ा हो जाते, दाल बाटी हो रही है मंदिर में आज, आहा हम आसक्त, आसक्ति ही है ना, और क्या है आसक्त, ये क्या आसक्ति है? जिसमें रुचि मिला है भौतिक संपदा के प्रति हम क्यों इतना आसक्त, क्योंकि ना उनने उसमें टेस्ट लिया है ना, भौतिक टेस्ट, इसलिए हम आसक्त है। तो ऐसे ये भक्ति है, ये भक्ति में भी हम जब कब आसक्त होंगे, जब रुचि में से रुचि मिले, हमको टेस्ट ही नहीं मिला तो कहां आसक्त होंगे। मैंने कोई भक्तों को देखा 64 माला क्या 100 माला करते हैं जी, ब्रज में ऐसे संत महात्मा है अभी भी हमारे इस्कॉन के वैष्णव है, वो दिन भर जप करते हैं, गोवर्धन परिक्रमा करेंगे ये। आपको मैं बताऊं, अभी मैं गया था एक दिन के लिए गोवर्धन परिक्रमा करने, तो मेरे साथ रूप सनातन प्रभु जी है, मेरे परम मित्र है, रूप सनातन प्रभु जी साथ में चल रहे थे, मैं अम्मा रूप सनातन प्रभु तीनों चल रहे थे। तो ये अपना दान घाटी के बाद, पूछी की लोटा के बाद, एक आप गोविंद कुंड जानते होंगे, गोविंद कुंड के पास
गोविंद कुंड से जैसे आगे जाते हैं, मुझे रूप सनातन को बोले कि प्रभु जी थोड़ा रुकिए मुझे कुछ बताना है। बोले क्या बताना है? उन्होंने बोले कि प्रभु जी ये एक उधर एक आश्रम था, तो ये आश्रम में एक बाबा रहते हैं 37 ईयर से उन्होंने विदाउट मिस एवरी डे 3 गोवर्धन परिक्रमा करते। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, वापस सुनिए। 37 ईयर से दिन में 3 बार गोवर्धन परिक्रमा करते। कितनी बार? एक बार नहीं, 3 बार गोवर्धन परिक्रमा करते एवरी डे 3 बार। होश उड़ गया मैं तो सुन के, होश उड़ गया। हमने एक बार गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए अगर कहीं रुक के भी ना करोगे तो 6 घंटा में होगा आपको। चलो वो मीन्स रोज करते हैं तो 5 घंटा 4 घंटे में होता होगा, 3 बार करते तो 12 घंटा तो चाहिए ना बाबा। 12 घंटा दिन में चलते हैं वो, कितना उनको वो गोवर्धन के प्रति आसक्त होंगे, वो गिरिराज महाराज के प्रति कितना उनको उसमें दृढ़ संकल्प होगा, दृढ़ निष्ठा होगा गोवर्धन के प्रति, कितना शरणागति होगा भगवान के प्रति, गिरिराज महाराज के प्रति। जो दिन में 37 ईयर से, 1-2 दिन 3 दिन नहीं, हमने एक दिन परिक्रमा किया, दूसरे दिन मंगल आरती मिस, क्या ही नहीं मंगल आरती तो हाथ पैर दुखने लगा, सर दुखने लगा। आप सोचिए, और अभी क्यों नहीं कर पा रहे बताए, उनकी कमर और उनकी घुटने वगैरह सब और कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, चल नहीं पा रहे, अभी बेड में है। टाइम क्या हुआ बाबा? अच्छा टाइम हो गया वैसे तो। हाँ जी, 37 ईयर से 37 साल से रोजाना 3-3 बार परिक्रमा करते गोवर्धन का। फिर हमने वो खिड़की से बोले बाबा प्रणाम करके बाहर से बोले बोल के चले गए। आप सोचिए कितना उनका आसक्त होंगे वो। ये आसक्ति चाहिए हमको भक्ति में, कृष्ण के प्रति, वैष्णव के प्रति, गुरु के प्रति, साधु के प्रति, शास्त्रों के प्रति, ये से आसक्ति बढ़नी चाहिए। और वो आसक्ति अभी हमारे रुचि स्तर पे कहां से, हमारे श्रद्धा स्तर पे कहां पे आएगा? ये सारा स्टेप्स अनर्थ निवृत्ति के बाद में ही सारा आएगा। आसक्ति के बाद वाला स्तर है कि भाव, इतना आसक्त हो जाएंगे कृष्ण से, उनके अंदर फिर भाव उत्पन्न होंगे। अलग अलग प्रकार के भाव है जो चैतन्य चरितमृत में वर्णन है, बहुत बड़ी अलग अलग प्रकार का भाव का वर्णन। और ये सारा स्टेप के बाद जी कृष्ण प्रेम प्राप्त होंगे। हाय हाय मैं मर जाऊं, कब मिलेगा कृष्ण प्रेम? कब प्राप्त होगी? इतना कुछ करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, हमको चाहिए तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। कोई जिज्ञासा है तो पूछिए। समय हो गया आप लोग का, वो लीडर्स वाले का भी है ना, फ्यूचर लीडर्स वाले का है ना आप लोग का सेमिनार आज कि नहीं है? राजकुमार को है कि नहीं है ना, फ्यूचर लीडर्स वाले सेमिनार है ना? हाँ कोई जिज्ञासा है तो बताइए। ये भाव भक्ति, भक्ति भाव माता जी। देखिए हमारा ये क्लास सिर्फ हमको मोटिवेट भक्ति में हो और हम दृढ़ता से करें उसके लिए एक क्लास है। इसमें हृदय परिवर्तन नहीं होगा, मैं पहले बोलता हूँ, हृदय परिवर्तन वाला क्लास ये नहीं है। हृदय परिवर्तन चाहिए, मैं सजेस्ट करता हूँ हमारे जो गुरु वृंद है उन लोगों का कथा सुनिए, ठीक है? तो हृदय परिवर्तन होगा अगर ये सारा इन्फॉर्मेशन, विधि विधान क्या क्या है, आप विधि विधान क्या क्या, ये प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है। हरि भक्ति विलास इतना बड़ा बड़ा 2 ग्रंथ है मेरे पास, हर एक पेज में कम से कम आपको 40-50 विधि मिलेगा, इतना बड़ा बड़ा ग्रंथ है। आप ले कितना विधि हमारे लिए देख लो, आप सोच नहीं सकते कितना विधि है। तो इतने सारे विधि है, इन सनातन गोस्वामी ने लिखा हरिभक्ति विलास ग्रंथ, बहुत विधियां हैं। मगर रूप गोस्वामी सोचे अरे सनातन जी इतना विधि लिखे, कलयुग की जीव को तो हालत खराब हो जाएगी, विधि पढ़ेंगे तो वो तो भक्ति नहीं करेंगे। तो फिर हमारे रूप गोस्वामी कृपा करके क्या किए, 64 विधि बताए हमको।
64 विधि भक्ति रसामृत सिंधु ये ग्रंथ में बताया 64 विधियों को बड़ा सुंदर तरीके से। ये 64 विधि को फॉलो करो सारा, ये 64 नियम को फॉलो करो हमारा भक्ति पूर्णता हो जाएगी। तो जब आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे इसमें सारा विधि आएंगे। तो हमने नॉर्मली शुभ मंगल आरती से लेके भागवतम क्लास प्रसाद तक जो करते उसमें 64 विधियां हो जाती है। अगर आप मंदिर का प्रोग्राम अटेंड करोगे तो आपको अलग से प्रयास करने का जरूरत। 64 विधि में आपको बता रहा हूँ वापस, शुभ मंगल आरती से प्रसाद तक भागवतम क्लास के बाद जो प्रसाद इतना अटेंड कर रहे हो आप, तो आप 64 विधि पूरा कर रहे हो दिन में हर दिन। आपको अलग से प्रयास करने का जरूरत नहीं, विधियां है ठीक है। चार नियम सबसे मुख्य हमारे लिए नहीं करना है, प्रभुपाद जी ने बताया चार नियम सबसे मुख्य है, ये चार नियम को पालन करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट 16 माला का जप करने, ये सबसे इंपॉर्टेंट नियम है। अभी हम लोग क्या नहीं करना है ये सब चर्चा करेंगे, क्या करना है ये 16 माला करनी है, साधु संग करनी है, क्या नहीं करना चार नियम पालन करना है, और अपराध जो आया ना ये अपराध में बहुत अपराध आ जाएगा, मैं चर्चा करूंगा बाद आगे चर्चा करूंगा। हाँ आप कोई हाथ उठाए थे, हाँ बताइए भाव भक्ति भाव मत बताइए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट नहीं हो रहे हैं क्या, अनम्यूट तो करिए, नहीं क्या आपको ऑप्शन नहीं आ रहा है अनम्यूट करने का, क्यों नहीं आ रहा है, मैं तो अनम्यूट कर रहा हूँ यहाँ से, आपका इंटरनेट में प्रॉब्लम है। उदयलाल प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस प्रभु जी, सॉरी मैं हाथ खड़ा किया था, प्रोग्राम अटेंड करूंगा ये क्लास, और अचानक मम्मी के क्या थोड़ा तकलीफ हो गया था, तो वो इकट्ठा किया था 4-5 लोगों को, थोड़ा बाबूजी का कुछ प्रॉब्लम था तो मैं लेट अटेंड कर पाया प्रभु जी। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आप सुन लीजिएगा ना जी प्रभु जी। अचानक हो, और प्रभु जी एक क्वेश्चन भी है मेरा, जैसे बहुत सी माता जी लोग मेरे को पूछते हैं गायत्री मंत्र हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो क्या माता जी लोग कर सकते हैं गायत्री? ना माताजी कर सकते ना प्रभु जी कर सकते हैं। शास्त्र के अनुसार यह है कि गायत्री मंत्र ओनली जो मीन्स बोलते हैं ना पंचरात्रिक दीक्षा लिया है, जिनको ब्राह्मण दीक्षा कहते हैं, जो ब्राह्मण थ्रेड पहने हैं वो गायत्री जप कर सकते हैं। तो वो दीक्षा के बिना गायत्री मंत्र जपना अपराध है। कुछ मिलने पर फल तो कुछ नहीं मिलेगा, अपराध बहुत ज्यादा होगा, इसके लिए उनको बताइए शास्त्र में मना की गई है हमको गायत्री मंत्र की जगह हरे कृष्ण महामंत्र जप करने जी प्रभु जी। और जैसे हमारे क्या सभी ब्राह्मण ज्यादा है ना यहाँ पे, तो वो तो मतलब जने धारण किए हुए हैं अपने शास्त्रों के अनुसार किया है वो कर सकता है, उनको उनको उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। जो जने धारण किए हैं विधिवत उनका व्रत होती है ना, ब्राह्मणों का व्रत होती है, तो वो कर सकते हैं। वो पूछते हैं मतलब वो गायत्री वो बोलते हैं माला पे करने, मैंने कहा माला पे शायद नहीं होती वो जने धारण। प्रभु जी गायत्री मंत्र दिन भर जपने का त्रिसंध्या यानी सुबह दोपहर को शाम तीन बार ये गायत्री मंत्र का जाप होती है, और वो भी सीक्रेट मंत्र है, इसको उच्चारण नहीं, आपका जीवा भी हिलता हुआ वो हिलता हुआ भी नहीं होना चाहिए, तो ये सीक्रेट है। तो इसके लिए वो जब तीन बार करे त्रिविधम तीन 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 संध्या में त्रिसंध्या में वो गायत्री मंत्र जप कर तो जैसे माला पे करना है वो बोल। माला पे हरे कृष्ण महामंत्र, माला पे गायत्री नहीं करनी, ध्यान रखिए जो जैन्य धारण किए हैं वो लोग तीन बार दिन में करे संध्या सुबह दोपहर और शाम को संध्या में। तो इसमें प्रभु जी जनेय का कुछ नियम होता है, जनेय को अंगूठे पे लगाना पड़ता है ऐसा कुछ है क्या? ये मैं नहीं बता सकता हूँ, ये सीक्रेट है, ये सब गुरु बताते हैं। अच्छा, हमने ठीक है प्रभु उनके लिए ये गुरु बताए क्या करना है क्या नहीं। ओके प्रभु थैंक यू, हरे कृष्ण। देखिए कलयुग घोर कलयुग, ब्राह्मण जनेय पहनने के बाद भी पता नहीं कि कैसे गायत्री करना है अबे, और क्या बताएं आप, ये दुर्भाग्य है ना हम लोग का। जनेऊ पहन लिए उनको पता नहीं है कि अभी क्वेश्चन कर रहे हैं कि कैसे करें, उंगली पे लेके करें क्या करें नहीं पता नहीं, नॉर्मल लोगों को पता नहीं। जनेऊ पहन लिया क्या महान संप्रदाय में और संस्था हमने जुड़े जहां इतना डिटेल्स में हमको ज्ञान मिल रही है, एक एक ज्ञान मिलती इसमें, ये है हमारा इस्कॉन। इसके लिए इस्कॉन कभी मत छोड़ना बस, कुछ भी हो जाए। ओके और किसी का जिज्ञासा तो बताइए, हाँ जी कोई जिज्ञासा है बोलोगे, आपने इतना डराया क्लास में, क्या पूछे प्रभु, इतना डरा दिया आपने क्लास में।
हाँ कोई जिज्ञासा? हाँ राजकुमार प्लीज पूछिए। प्रभु जी मैं तो बार बार भूल जाता हूँ प्रभु जी, एक एक श्लोक बताया था आपने, श्लोक में ये था ना अर्चनम वंदनम सांख्यम ये सब करके, पूरा श्लोक क्या था प्रभु जी? भागवत का श्लोक है ये। हाँ। श्लोक बोले हैं हमारे प्रहलाद महाराज जी ने उच्चारण किए हैं नवदा भक्ति के बारे में। मैं श्लोक वैसे ग्रुप में डाल दूंगा मगर हाँ। नवदा भक्ति ये है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति एक श्लोक में बन, वो मैं आपको भेज दूंगा। हरि बोल। और कुछ पूछना किसको? ठीक है मुझे भूख लगा है, जाइए आप लोग भी प्रसाद नहीं लिया है। चरण श्याम माता जी ने पराठा बनाया आप लोग जा सकते हैं, आज पराठा है चरण श्याम माता।